नमस्कार दोस्तों, द सीरियस कॉमेडी शो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रेम जन्मेजय द्वारा संपादित पुस्तक उत्कृष्ट व्यंग रचनाएं में प्रदीप चौबे जी का एक व्यंग है, 60वें की 13वीं। प्रदीप चौबे जी जाने माने कवि और साहित्यकार रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उनकी ये रचना सुनने में उतना ही आनंद आएगा जितना मुझे इसे पढ़ने में आ रहा है। मित्रों, यदि ये वाचन आपको पसंद आता है तो कृपया शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और यदि इसमें कोई कमी नजर आ रही है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या कमी रह गई और आगे आप किस प्रकार के व्यंग सुनना पसंद करेंगे। तो प्रस्तुत है प्रदीप चौबे जी की रचना 60वें की 13वीं। बाद में लाइट आई तो पता चला कि 3/4 हॉल खाली है। अंधेरे का लाभ उठाकर लोग सटक लिए, चाय नाश्ता अलग से खींच गए। बड़ी भद्द पिटी। तय करना मुश्किल था कि लोग मेरी किताब के विमोचन में आए हैं या उठावनी में। उसी के बाद मेरे अपने तत्कालीन पटु शिष्यों के कटु संबंध हो गए और सालों को मैंने अपनी भक्त सूची से निकाल फेंका। इस बार वे साले चोरी छुपे बिना बुलाए घुसने की कोशिश कर सकते हैं, तुम लोग सावधान रहना। वो तो आप निश्चिंत रहिए उस्ताद, हम किस लिए हैं। अब मैं ये बता दूं कि आज के बाद अब मैं 2.5 महीने राजधानी में रहूंगा। सामान शिफ्ट करना है सो वहां का काम भी देखना है। तुम लोग अपना काम शुरू कर दो, रोज टच में रहना। मैं 6 अगस्त को सपरिवार आऊंगा। अभी यहीं के घर में ठहरूंगा। 7 को पूरी तैयारी करेंगे, 8 को फंक्शन और 9 को बाय बाय। तुम सबको सफलता की शुभकामनाएं। वो उस्ताद, तैयारियों के लिए कुछ एडवांस मिल जाता। हाँ हाँ, कितना चाहिए। यही कोई 4,000। ठीक है, कल सुबह आकर ले लो, कहकर कलेसी एक शिष्य की बाइक पर बैठकर निकल गया और दूसरे दिन एडवांस देकर राजधानी। 2 महीने होते होते उसके पांव उखड़ने लगे। शिष्यों के फोन क्रमशः कम होते गए, धीरे धीरे बंद हो गए। कलेसी घबराता रहा। एक आध बार बीच में आया, शिष्यों को ढूंढा, वे मिले। बोले, घबरो न का, तैयारियां जोरों पर है, लोगों में उत्साह है, इतना काम है कि हमारा काम तमाम है। समय इतना कम मिलता है कि आपसे बात करने के लिए भी कम पड़ जाता है, पर हम आपके पटु शिष्य हैं, कसम से काम में विश्वास रखते हैं, बातचीत में नहीं। आखिर 3rd महीने की 6 तारीख आ गई। शिष्यों की दी गई सूचना के अनुसार कलेसी शहर में अवतरित हुआ, एक अदद बीवी और सास के साथ थोड़ा बहुत सामान। स्टेशन पर कोई शिष्य नहीं था। कलेसी चारों को मोबाइल करता रहा, सबके मोबाइल स्विच ऑफ। मजबूरन कलेसी को कुली करना पड़ा, सामान भारी था। कुली ने 150 रुपए से उसकी जेब काट ली। कलेस रहा। घर पहुंचते पहुंचते कलेसी काफी कलेस में आ गया। गालियां देने का अभ्यास न था सो गुस्सा भीतर ही भीतर फोड़े की तरह पकता रहा। शाम को शिष्यों की तलाश में निकला पर वे घर पर नहीं थे। मालूम पड़ा कार्यक्रम की तैयारियों में कलावाटिका में। कलावाटिका पहुंचा, वे वहां भी नहीं थे। चौकीदार ने बताया रोज चारों नियम से आते हैं, चर्चा होती है और कभी कभी बहस भी। सब आपकी चर्चा करते हैं। कलेसी किंचित प्रसन्न दिखा। उसने पूछा, अभी कहाँ है। वहीं जहां यहां से रोज जाते हैं, बियर बार में। कलेसी का माथा ठनका, उसे लगा कि उसकी जेब लगातार कट रही है। भारी मन से घर लौटा। घर में सब खा पी रहे थे। कलेसी की भूख प्यास गायब थी। रात में उसने पाया भूख के साथ नींद भी गायब है। रात भर बिस्तर पर बैठा रहा, मच्छर मार मार कर गिनता रहा। घर कई दिनों से बंद था सो मच्छर मुखर थे और बंद कमरे की बू भी। बहुत देर बाद सुबह हुई। उसे लगा शताब्दियों बाद सुबह देख रहा है। आंखें नींद से भारी थीं और चेहरा चिंताओं से। उसे लगा 60वें का निर्णय गलत हो गया। अब रद्द भी नहीं किया जा सकता था। कार्ड बंट चुके होंगे, पता नहीं साले शिष्यों ने कुछ किया भी या नहीं। क्या पता शहर में है भी या नहीं। 4,000 सालों की जेब में है, वो भी 2.5 महीनों से। खतरा बना हुआ है वरना फोन क्यों बंद है। जाने कहां मर गए साले। या अल्लाह, तू ही मालिक है। धूप पूरी तरह फैल चुकी थी, बोझिल आंखों में चुभ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आशा की किरण की तरह चारों शिष्यों ने प्रवेश किया। उत्साह और जोश में कलेसी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर भर गए गुस्से और अवसाद ने मुस्कुराहट को दाब लिया।
एक ज्वालामुखी सा आंखों में दिप दिप करने लगा और उसका अत्यंत बदबूदार लावा जहन में फैलने लगा। शिष्य कदमों तक झुक गए। हमें माफ करना उस्ताद, आप बहुत परेशान हुए होंगे। हम स्टेशन को निकले तो भयंकर जाम में फंस गए, 1.5 घंटे फंसे रहे। स्टेशन पहुंचे तो आप जा चुके थे, नेटवर्क फेलियर था तो मोबाइल भी बेकार हो गए। सोचा शाम को घर आकर आपसे मिलेंगे, लेकिन शहर में भयंकर शादियां हैं, सभी को कहीं ना कहीं जाना था। रात बहुत देर हो गई। बियर पार्टी थी। कहाँ, बियर बार में या कला वाटिका में? अब क्या बताएं उस्ताद। कलेसी कले स्पीकर रह गया, कुछ बोलकर खेल खराब करना न चाहता था। गुस्से में कुछ अंट शंट निकल गया तो जो कुछ सामने है वो भी अलोप हो जाएगा, अपमान का बहाना कर चारों गायब ही न हो जाए। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखकर उसने तैयारी की संपूर्ण जानकारियां ली, न चाहते हुए भी उनकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश की। बहुत हारा हारा महसूस करते हुए भी उन्हें महसूस कराया गया कि उनकी तैयारियों से आश्वस्त है। 4,000 के बारे में पूछने की हिम्मत न हुई, सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। शिष्यों ने उसे आश्वस्त किया, चिंता न करना उस्ताद, सब कुछ बढ़िया होगा, आपके शागिर्द हैं, आपका नमक खाया है, निराश नहीं करेंगे। उनकी वाणी में आत्मविश्वास था, परंतु उनके सुरों से कलेसी चौंक गया था। खुदा खुदा करके कलेसी की कयामत आई, यानी 8 तारीख। ये तारीख भारी थी, एक अजीब सी शक्तिहीनता और असहजता भीतर पसर गई थी, एक अनजाना सा डर बार बार उभरता, एक कुंद सी आवाज कानों से टकराती, जैसे कोई कह रहा हो, गलत हुआ, गलत हुआ। उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की, उसे लगा कि ये उसी की आवाज है, फिर भी उसने किसी तरह अपने आप को एकत्र किया। अचानक उसे याद आया कि तनाव के बीच आयोजन का कार्ड तक उसने नहीं देखा है। पत्नी से कार्ड मांगा, वो देख चुकी थी। उसने कार्ड लाते लाते कहा, एक कार्ड कैसा छपा है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा, बैंगनी कलर पर मटमैले सुनहरे अक्षर, बहुत देर में पढ़ पाई। कार्यक्रम का समय छापने के बजाय हाथ से लिखा हुआ था, रात्रि 8:30 बजे, तुमने तो दोपहर 12 बजे बताया था। कलेसी को लगा उसकी सांस रुक जाएगी। कांपते हाथों से उसने कार्ड पकड़ा, एक बदरंग किस्म का सस्ते कागज का चौकोर टुकड़ा उसके हाथ में था। फीके बैंगनी कागज पर धुंधले गोल्डन कलर में चमकती अस्पष्ट इबारत, कार्ड को आड़ा तिरछा करके ही मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। सिर्फ हाथ से लिखा हुआ काला हर्फ रात्रि 8:30 बजे ही पकड़ में आ सकता था। उसने अपना माथा पीट लिया, गुस्से के दबाव में चांटा माथे पर कुछ ज्यादा जोर से जा पड़ा, दिमाग भन्ना गया और वो सोफे पर गिर गया। बीवी घबरा गई, बोली, क्या हुआ? वो पूरी ताकत से चिल्लाया, खड़ी क्या है साली, भाग यहां से। बीवी भाग गई। सुबह के 11 बज रहे थे और कलेसी के 12। जैसे तैसे उसने अपनी मनोदशा पर काबू पाया, बारी बारी चारों को मोबाइल मिलाया, एक का मिल गया। उसने लगभग रुआ से स्वर में पूछा, कहा? कला वाटिका में उस्ताद। वहीं रहना, 10 मिनट में आ रहा हूं। ऑटो करके वाटिका पहुंचा, हॉल में तैयारियां चल रही थी, चारों शिष्य काम में जुटे थे। कार्यक्रम का बैनर उसी कपड़े का था जो एक शिष्य की सलाह पर तैयार किया गया था, यानी उनकी ही संस्था के किसी कार्यक्रम का पुराना बैनर। उसे धोने के चक्कर में सस्ती नीली स्याही फैल कर जगह जगह थक्का बन गई थी और उस पर लिखी इबारत में 60वां 8वां दिखाई पड़ रहा था। कलेसी के हाथ पैर ठंडे हो गए, उसने अपनी सारी हिम्मत एक झटके में त्याग दी। वो समझ गया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर है कि कुछ न किया जाए। उसने साउंड, लाइट, दरी, फर्श, माइक, किसी पर भी नजर न डाली। उसने चारों शिष्यों को सिर हिलाकर बुलाया, वे बहुत डरे हुए पास में आए। कलेसी ने कहा, अचानक मेरी तबीयत मुझे खराब होती लग रही है, लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ चला है, मैं अभी घर जाकर दवाई लूंगा और शाम को 7 बजे आने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम लोग संभालना, कहकर वो चला गया। चारों शिष्यों ने चैन की सांस ली और काम में लग गए। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर पड़ गया, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता हुआ। पत्नी को ठंडा नींबू पानी लाने को कहा। शहर के 3-4 अखबार पास पड़े थे,
सिर्फ एक में छोटे छोटे अक्षरों में बहुत छोटी सी जगह पर उसके 60वां मनाए जाने का समाचार था। ठीक बगल में बवासीर के इलाज का बड़ा सा विज्ञापन था, परंतु उसने इस उपेक्षा का मन पर कोई असर नहीं होने दिया। अब तक के घटनाक्रम में उसके भीतर वैराग्य का सा वातावरण बन चुका था। वो ब्लड प्रेशर को लेकर सावधान हो गया। तभी मोबाइल पर एक SMS की घंटी बजी। उसने देखा कि दिल्ली से आने वाले अध्यक्ष का मैसेज है, प्लीज कॉल मी अर्जेंट। उसे अफसोस हुआ कि दिन भर की जद्दोजहद में वो अध्यक्ष का समाचार लेना ही भूल गया। उसे खुद पर बड़ी कोफ्त हुई। उसने झट से मिलाया। अध्यक्ष फोन पर था। बोला, क्षमा कीजिएगा कलेसी जी, मथुरा के पास मालगाड़ी का डिरेलमेंट हो गया और ये हो जाने से दिल्ली से चलने वाली गाड़ियां अनिश्चितकाल के लिए लेट है। यानी मेरी गाड़ी जो सुबह 10 बजे पहुंचती, अब रात्रि 9 बजे से पहले नहीं पहुंच सकती। अब आने से क्या फायदा, आपका कार्यक्रम तो दोपहर 12 बजे से है। कलेसी को इस समाचार से थोड़ी राहत हुई। कलेश कुछ ठंडा पड़ा। उसने लपक कर कहा, कोई बात नहीं कंटक जी, आराम से आइए। कुछ अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम अब रात्रि 8:30 पर प्रारंभ होगा। अध्यक्ष बोला, अरे ये तो गड़बड़ हुआ, आपने कल शाम या आज एकदम सुबह ही क्यों नहीं बताया? मैं तो टिकट कैंसिल करा चुका और घर भी आ गया, और अब आप तक पहुंचने की कोई संभावना भी नहीं। लेकिन चलिए, इस बार आप अकेले ही करिए, अगले 60वें पर मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। शुभकामनाएं। इतने में एक शिष्य का फोन आया। सर बताइए, दीप प्रज्वलन और माँ शारदा की वंदना भी होनी है क्या? वो भड़क कर बोला, अरे भाड़ में गया प्रज्वलन और वंदना, तू ये बता कार्यक्रम का टाइम क्यों चेंज किया? वो बोला, क्या करते सर, दोपहर में ही कला वाटिका वालों का अपना कोई कार्यक्रम अचानक आ गया, उनकी मोनोपली है, हम क्या कर सकते थे? आप थे नहीं इसलिए हमें डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए सर, 150 कार्डों में काट कर हमने हाथ से 8:30 रात्रि स्पष्ट लिख दिया है और कम से कम 90% लोगों को फोन पर बता दिया है, और 90% लोगों को समय परिवर्तन की सूचना और आने की करबद्ध प्रार्थना भी करती है। कलेसी का कलेश कुछ कम हुआ, दिलो दिमाग शीतल हुए। उसे लगा, चलो शिष्यों ने एक काम तो ठीक कर दिया, अब कम से कम उपस्थिति तो ठीक हो जाएगी। खाना खाकर वो कूलर की हवा में लेटा, शरीर को राहत मिली, लेकिन भीतर महाभारत था। तभी मोबाइल बजा, बधाई का पहला फोन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, छठवां, आठवां, बारहवां, बीसवां, बधाइयां ही बधाइयां। कलेसी के होठों पर लगातार धन्यवाद, लेकिन चेहरे पर कड़वाहट, कसैलापन। बीवी ने पूछा, किसका फोन था जी? बोला, सारे आमंत्रित लोगों का, सभी ने बधाई दी, लेकिन कोई नहीं आ रहा, सब साले शादियों में जा रहे। बीवी बोली, अरे अब क्या होगा? कलेसी बोला, अब वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। शाम 6:30 बजते बजते कलेसी लगभग उसी तरह तनाव मुक्त हो गया जैसे परिवार वाले कोई चिता फूंक कर हो जाते। पूरा परिवार सज धज कर 7:30 बजे कला वाटिका आ डटा। बेटा बहू, बेटी दामाद, दोनों समधी समधिने और इक्का दुक्का पड़ोसी। कलेसी ठीक 8 बजे पहुंचा, पूरी तरह लथ, मानसिक रूप से स्खलित और टूटा फूटा, चेहरा कांतिहीन। परिवार के 10 सदस्यों के अलावा सामने 4-5 लोग और बैठे हुए थे। चारों शिष्य हाथ जोड़े खड़े थे। कलेसी का मन हुआ उन्हें सबके सामने जूतों से मारे, पर यह असंभव था। उनकी जगह उसने मन ही मन खुद को जूते लगाए। 8:15 हुए, फिर 8:30, और बेहद ऊब के बाद 9। काम चलाऊ संचालक ने इशारा मांगा। कलेसी ने शिष्यों से पूछा, मेरे परिवार के अलावा सामने बैठे ये 4 भद्रजन कौन हैं? हमारे आमंत्रित अतिथि हैं या तुम्हारे दोस्त वगैरह? चारों ने नाम में सिर हिलाया। नहीं सर, हम इन्हें नहीं जानते, पर यकीनन ये आपका नाम सुनकर आए हैं, इनका स्वागत कीजिए। कलेसी ने हाथ जोड़े। धन्यवाद मित्रों, जब तक कार्यक्रम शुरू हो क्या आप अपना शुभ परिचय देंगे? इस चारों एक साथ खड़े हुए और बारी बारी बोले, जी मैं माइक वाला, मैं लाइट वाला, मैं फर्श और चद्दर वाला। जी मैं कला वाटिका का चौकीदार। कार्यक्रम कब तक चलेगा साहब? महफिल में हंसी की सुरसुरी छुटी। कलेसी ने कनखियों से देखा,
परिवार में दामाद और समधी लगातार सुरसुरा रहे थे और तकल्लुफ में मुंह पर हाथ रखे हुए थे। कलेसी को लगा वो रो पड़ेगा। वो तेजी से बाहर निकला, हॉल के बाहर जाकर चारों शिष्यों को बुलवाया। मेरे परिवार को घर भेज दो, तुम चारों यहाँ गेट पर 10 बजे तक होंगे। कोई भी आए कहोगे अपरिहार्य कारणों से। वो तेजी से सड़क पर पहुंचा और ऑटो में बैठकर अंतर्ध्यान हो गया। रात 9:30 बजे जायजा लेने के लिए कि शिष्य मोर्चे पर है या नहीं, उसने फोन लगाया। एक पटु शिष्य ने उठाया। कलेसी ने पूछा, तुम लोग कहाँ हो? शिष्य बोला, बियर नहीं नहीं कवि बार में उस्ताद। मुझे उम्मीद है कि आप इसके सारे भागों का रसास्वादन करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये वाचन कैसा लगा, व्यंग कैसा लगा, और साथ ही साथ इसे शेयर भी करेंगे ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।